इरादा नेक हो तो रास्ते खुद बखुद बन जाते हैं। जी हाँ, यही जज्बा दिखाई पड़ता है भाजपा महिला मोर्चा के महानगर अध्यक्ष कमली भट्ट में। कमली भट्ट अपने परिवार से बढ़कर अपने पार्टी व बीजेपी संगठन को हमेशा ही तवज्जो देती है और महानगर अध्यक्ष श्रमिक मंत्र संवाददाताओं को बताया कि जब कभी भी किसी कार्यकर्ता पर जिम्मेदारी पार्टी सौंपती है, उस कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वह कार्यकर्ता पार्टी के लिए निष्ठावान होकर पार्टी के हित में समर्पित होकर काम करे। कमली ने बताया कि पार्टी द्वारा उन्हें पूर्व में सेवा ही संगठन का अभियान की जिम्मा सौंपी थी, जिसे वह पिछले 2 माह से लगातार अपने महानगर महिला कार्यकर्ताओं के सहयोग से देहरादून में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस संदर्भ में महिला मोर्चा के अध्यक्ष कमली भट्ट ने महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक ऋतु खंडूरी के सहयोग से मोहिनी रोड स्थित कुष्ठ आश्रम में रह रहे परिवारों को कच्चा राशन का किट दिया। प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि इन असहाय परिवारों को कोरोना काल में काफी मुश्किलें हुई है, क्योंकि यह लोग कोरोना काल में अपने घरों में ही कैद होकर रह गए, जिस कारण इन परिवारों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया। खंडूरी ने बताया कि भाजपा संगठन की हमेशा से ही यही कोशिश रहती है कि कोई भी परिवार भूखा न रहने पाए, और उन्होंने पहले भी इन परिवारों को राशन देने का काम किया और आगे भी समय समय पर इसी प्रकार से सहायता व मदद करते रहेंगे। श्रमिक मंच संवाददाता की खास रिपोर्ट। तो खंडूरी जी, जिस तरीके से आपको स्वास्थ्य में आपने किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो संस्कार है नर सेवा नारायण सेवा और सेवा संगठन 2, इसमें हम अप्रैल से इस समय सेकेंड जो कोविड की लहर आई है, पहले कोविड की लहर में भी महिला मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत से काम किया है, और इस सेकेंड लहर में भी हम लोग जनता के बीच में 17 अप्रैल से उतरे हुए हैं, और उसी के तहत आज ये जो राशन वितरण हो रहा है उसी संस्कार उसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। जो परिवार है उनको देखने वाला नहीं है, तो ऐसे ही समय में आपको लगता है कि बहुत जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो बहनें हैं, जो हमारा जो मोर्चा चल रहा है, वो ऐसे सहाय असहाय लोगों के बीच में रहकर पिछले 6-7 महीने से ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं। वही संगठन द्वारा जो मुहिम चलाया गया था, उसमें मुहिम को लेकर क्या आप लोगों की रणनीति क्या बन गया? देखिए, संगठन का जो अगर आप इसी का पूछ रहे सेवा ही संगठन में, तो सेवा ही संगठन में आप लोग जानते हैं कि मास्क बनाना और बांटना, फेस कवर्स, कम्युनिटी किचन चलाना, राशन के किट्स देना, फूड पैकेट्स बांटना, ये तो हमने किया ही, लेकिन इस बार बहनों ने इतना ज़बरदस्त काम ब्लड डोनेशन में किया, 450 यूनिट से ऊपर इस बार बहनों ने किया। हमारे मोर्चे ने 450 यूनिट्स उत्तराखंड में डोनेट करवाए हैं डिफरेंट ब्लड बैंक्स को। इसके अलावा रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये हमने पेशेंट्स तक पहुँचाए। आपको हैरानी होगी जानकर कि हमारी महामंत्री तो शमशान घाट तक पहुंच गए, जब ज़रूरत उनको महसूस हुई कि वहाँ गरीब परिवार है, उनको तंग किया जा रहा है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि जिस सोच, जिस संस्कार के साथ हमारी पार्टी कार्य करती है, मेरी बहनों ने जी जान लगा के कर्तव्य निष्ठ के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरा जोर शोर से। कमली मैम, जिस तरीके से महानगर का आपके पास जिम्मा है, जिस तरीके महिलाओं ने आपने काम भूमिका निभाया, किस तरीके से देखते हैं सेवा संगठन के नाम? देखिए, सेवा संगठन के अंतर्गत जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हमारी ऋतु खंडूरी दीदी, उनका दिशा निर्देश पे लगातार निरंतर कार्य हो रहे हैं, और दीदी का कहना है कि जब पद दिया जाता है तो उसकी वो समझना भी चाहिए। हम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम लोग निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना काल में जगह जगह हमने पुरोहितों को भी राशन दिया है, तो दीदी के निर्देश पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया। जैसा संगठन के ऊपर से आदेश आते हैं उस तरह से हम काम। पार्षद भी हैं यहाँ के, महानगर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महानगर अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरीके देखते महिला मोर्चा? देखिए, जब पद मिलता है तो उसको हमें समझना भी चाहिए, और हम उसी तरह से अपना जो समय का वो है उसको निकालते हैं। सुबह से लेकर हम बाहर निकल जाते हैं फील्ड में। कल 2-3 दिन की बात करें हम संगठन के लिए, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, और जो हमें पद दिया गया उसको तो हमें देखना ही।